चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आज हम बात करने वाले हैं भारत के पैरालंपिक्स में जो सक्सेसफुल खिलाड़ी रहे हैं टिल डेट, उसकी हम बात करेंगे बहुत जल्द, आपको नाम रिवील करेंगे। बट उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ओलंपिक्स में जैसे हमने मेजरली डोमिनेट किया था 60s और 70s और 80s के एरा में हॉकी में, जहाँ पे हमने टीम इवेंट में हॉकी जैसे बहुत सारे मेडल्स वहाँ पे बाक किए हमने, लेकिन पैरालंपिक्स में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल अलग चीज यहाँ पर निकल कर आती है। यहाँ पे इंडिविजुअल इवेंट्स में ज्यादा मेडल्स हमने हासिल किए हैं। अभी तक अगर आप भारत का रिकॉर्ड देखते हैं तो 12 मेडल्स भारत ने हासिल किए हैं पैरालंपिक्स में टिल डेट, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज है। तो नाम रिवील करेंगे सक्सेसफुल जो पैरा एथलीट्स रहे हैं भारत के लिए, उनका नाम एक एक करके मैं रिवील करता हूं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है वीआर स्पोर्ट्स क्रेजी, उसको फॉलो करना ना भूलें। उसको आप फॉलो करेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी स्पोर्ट्स के, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या न्यूज चल रही होती है, वो हम आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट कर देंगे। फ्यूचर में जो भी इंटरव्यूज लाइंड अप होंगे स्पोर्ट्स क्रेजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हम इंस्टाग्राम पेज के थ्रू वीआर स्पोर्ट्स क्रेजी पर वाया पोस्ट वाया स्टोरीज जो है वो देते रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पेज का, उस लिंक को आपको विजिट करना है, फॉलो का बटन प्रेस करना है वीआर स्पोर्ट्स क्रेजी पर पहुंच कर। जैसे आप फॉलो का बटन प्रेस करेंगे आप हमारी इंस्टा फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे आपका हमारा साथ यूट्यूब पर बरकरार है, उसी तरीके से आपका और हमारा साथ जो है इंस्टाग्राम पर भी बरकरार रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने जो स्टार्ट किया था उसको फिनिश करने का वक्त आ गया। सक्सेसफुल पैरालंपियन, सक्सेसफुल खिलाड़ियों की सूची हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम आता है मुरलीकांत पेटकर। मुरलीकांत पेटकर मैं आपको बताता हूँ, एक आर्मी मैन थे जिनको इंजरी फेस करनी पड़ी एरियल अटैक, जो 65 का वॉर हुआ था पाकिस्तान में उसके साथ। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद उन्होंने पैरालंपिक्स में कम्पीट किया और ये भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे, आप कह सकते हो पहले पैरालंपियन थे जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था 1972 गेम्स में, जो कि हेल्डबर्ग जर्मनी में हुआ था। पेटकर ने गोल्ड जीता था 50 मीटर फ्रीस्टाइल थ्री स्विमिंग में और उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम था 37.33 सेकंड्स का। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो है देवेंद्र झरझरिया, जो कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और करंट में कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्ट्रीकिंग फॉर्म को। देवेंद्र झरझरिया एक ऐसे पैरालंपियन रहे हैं जिनकी सक्सेस को मुझे लगता है हमने उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जैसे करना चाहिए और मीडिया को उनको अटेंशन देना चाहिए। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था जेवलिन थ्रो में F46 में 2004 में और 2016 में, और उनकी पुरजोर कोशिश होगी कि उसी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हुए 2020 में फिर से वो गोल्ड मेडल हासिल करें। अगला नाम है मरियप्पन थंगवेलू। मरियप्पन थंगवेलू जो है इंडिया के पैरालंपिक हाई जंपर है, रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन्होंने 2016 के समर पैरालंपिक गेम्स में जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था T42 कैटेगरी में। तो उनकी भी पुरजोर कोशिश होगी कि उसी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करें, बिकॉज से भी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। जो नाम अगला आता है वो है दीपा मलिक का। दीपा मलिक इस वक्त तो पैरालंपिक जो कमेटी है भारत की उसकी प्रेसिडेंट है, लेकिन लास्ट ईयर तक यानी लास्ट एडिशन की हम बात करेंगे 2016 तक, वहां पर तक उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था पैरालंपिक्स में। बहुत सक्सेसफुल फीमेल खिलाड़ी रही है भारत की, इसमें कोई शक नहीं है, और इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारे कारनामे भी अंजाम दिए हैं। अगर मैं आपको बताऊं 2016 की रियो में तो इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट थी जिन्होंने मेडल जीता था पैरालंपिक गेम्स में भारत की तरफ से। सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था शॉटपुट कैटेगरी में 2016 के रियो समर पैरालंपिक्स में। इस बार तो ये कम्पीट नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने अपना नाम जरूर सक्सेसफुल पैरा एथलीट्स की सूची में भारत की तरफ से डाल दिया। तो ये कुछ नाम थे जो मैंने आपको बताया, सिंपल तरीके से उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।